यहाँ से ये पैर आए जंप टच कि सुरेश आपने ये बैक जंप क्यों सीखा, कहाँ से सीखा और कैसे सीखा। हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो मेरा बैक जंप के ऊपर होने वाला है। आप अपने घर पे ही बैक जंप कैसे सीख सकते हो। बहुत से व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि सुरेश आपने ये बैक जंप क्यों सीखा, कहाँ से सीखा और कैसे सीखा। तो आज उस डाउट को क्लियर करूँगा। आप भी अपने घर पे बिल्कुल इजी तरीके से बैक जंप सीख सकते हो। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पोजीशन क्या रहती है हमारी, हमको क्या करना पड़ता है शुरुआत में जिससे हम एंड तक बैक जंप सीख जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट में हमको बनना होता है डी, वो मैं बताता हूँ आपको। शुरुआत में आप डायरेक्ट नहीं बन पाओगे, आपको किसी भी जगह पर लेट के डी बनना पड़ेगा। तो वीडियो को कंटिन्यू ही रखेंगे। ये रहती है हमारी पोजीशन, यहाँ पे लेट के यहाँ से हाथ लगाया, ऐसे पैरों को दूर नहीं रखना है और हाथों को दूर नहीं रखना है, हमारे गर्दन के पास ही। यहाँ से ऐसे ये रहती है हमारी डी की पोजीशन। रेगुलर बढ़ना है और जो हमारे लेग्स होते हैं ना, इसको 19 डिग्री का कोण बनाना है हमको। ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। फर्स्ट रहती है ये, आप रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो सीधा आप डी बन के बनना तैयार हो जाओगे। तो डी डायरेक्ट कैसे बनोगे आप, जो नॉर्मल एक्सरसाइज करके, दीवार के सहारे भी कर सकते हो, बट मेरे पास यहाँ पे कोई दीवार वगैरह नहीं है तो मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। ऐसे ये खड़ा, ये तो इतना तो बनना तैयार हो गया। और थर्ड नंबर पे बात आती है, वो हमारी रहती है एक नॉर्मल सी फ्लिप। फ्लिप कैसे लेनी है आपको, आप कट काट व्हील बोलते हो जिसको, ये तो हर कोई नॉर्मल बंदा ही, ये जो फ्लिप ली मैंने वो कोई नॉर्मल बंदा भी ले सकता है, बट नॉर्मल प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसको लेने के बाद रहती है हमारी बैक फ्लिप, जिसको ये आगे परफॉर्मेंस करनी होती है और जंप ऐसे, ये हाथों को पुश करना है, शरीर को ऊपर धकेलना है। ये तो उसके बाद में क्या करना है, जैसे ही आप ये पुश करोगे शरीर ऊपर आए टोटस ऐसे, एक बार वीडियो के थ्रू बताता हूँ आपको। ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आप सीख जाओगे। अब फाइनल जंप लेके भी दिखा देता हूँ और बैक हैंड स्प्रिंग भी बताऊंगा, एक जगह खड़ा रह के भी आप बैक जंप कैसे करते हो वो भी बताऊंगा। तो फ्लिप तक तो मैंने बता दिया, अब जंप लेके बताऊंगा फाइनली जंप हमारा कैसे लेते हैं हम। वो यहाँ से नॉर्मल फ्लिप, यहाँ से ये पैर आए जंप टच, स्टार्ट करते हैं नॉर्मल। फर्स्ट में आपको रन अप ही लेना पड़ेगा, आप एक जगह नहीं कर पाओगे, तो मैं एक जगह भी कर रहा हूँ और आप रन अप लेके कर सकते हो। ये रहता है हमारा जंप एक नॉर्मल। एक बार और ट्राई करता हूँ, हम लेग्स है वो यहाँ से भी पकड़ सकते हैं और यहाँ से भी पकड़ सकते हैं, तो इस बार मैं यहाँ से पकड़ूंगा। सॉरी मैं फेल हो गया, बट कोई नहीं, अब बताऊंगा आप एक जगह पे ही बैक जंप कैसे लगा सकते हो। आ जाओ, यही सेम पोजीशन रहेगी हमारी, यहाँ से दोनों हाथों को लेग्स एकदम सीध पे जंप टच जंप टच जंप लगा के ट्राई करता हूँ। ये तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे और इंटरेस्टिंग फिटनेस से एंड स्टंट से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।